आपका लीडर लोग नयुंगा में आता है, राजबाड़ी में आता है, बोलता है कि हमको पैसा चाहिए, हमारा ब्रू लोग गरीब है, मैं अपना पॉकेट से 50,000-1,00,000 देता, अपना खुद का पैसा देता। बाद में खबर मिलता है आपको 1,00,000 रुपया दिया, आपको 5,000 रुपया देना, 95,000 रुपीज लीडर खा गया। तो मैं करूं क्या? अगर आपका ही लीडर आपको गरीब रख रहा है, आपको पैसा नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूं? इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के अपना ग्रू लोगों को बोलना चाहता हूं, आई लव यू, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आप भी एक दूसरे को प्यार कीजिए, एक दूसरे को दबाकर आप कभी भी नहीं उठ पाएंगे। ये सवाल आप अपना लीडर से पूछो, कहां गया ये पैसा? महाराजा खाया वो पैसा? नहीं, पैसा है ये सच। मैं अपना बहन गरीब वोट मांगने नहीं आया हूं, आपको दिल का बात बोल रहा है। 720 करोड़ आया है, कहां गया? ये घर आप में देख रहे, ये घर है, यहां में तुई का प्रॉब्लम है, तो वो पैसा कहां गया? आप लोग मेमोरेंडम दे रहा है, किसको दे रहा है? आप लोग भी समझो, मैंने शुरू में बोला था आई लव माई रियांग पीपल, बट सम रियांग लीडर्स डोंट लव देयर रियांग पीपल, यही प्रॉब्लम है। मैं विपिन कुमार यांग ब्रू ट्राइब डेवलपमेंट सोसाइटी के वर्तमान में प्रेसिडेंट पोस्ट पे मैं कार्यरत हूँ। आज 22 अप्रैल 2024 को सेटलमेंट लोकेशन अलग अलग जगह से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने बैठक किया, और बैठक के बाद सोशल मीडिया के थ्रू एक दो बातें जो हमें लगा कि बोलना चाहिए, इसलिए हमें सोशल मीडिया में आना पड़ा। जैसा कि सभी को पता है कि 1997 को मिजोरम से कई अराउंड 35,000 पॉपुलेशन वहाँ से हमें डिस्प्लेस होकर त्रिपुरा में आना पड़ा। आफ्टर 22-23 ईयर्स के बाद अपने केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में अपने भारतीय जनता पार्टी सरकार बना, उसके बाद हम लोग को त्रिपुरा में परमानेंटली सेटलमेंट करने की एक एग्रीमेंट 16 जनवरी 2020 को साइन हुआ। इस एग्रीमेंट को सफल बनाने के लिए अपने त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देव जी, इन्होंने अपने यथा परिश्रम करके एक इस नतीजे पर अभी लाया है, जो अपने केंद्र में अपना गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा अपने त्रिपुरा में परमानेंटली सेटलमेंट करने का जो काम अभी चल रहा है, इसके लिए अपने पूरे ब्रू डिस्प्लेस पीपल की ओर से मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सेटलमेंट का काम अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट हो गया है। हम इस बात के लिए, हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि हम इतने कठिन परिस्थिति में रिलीफ कैंप में रहने के बाद अभी हम लोग को एक नया जीवन मिला है। तो एक बात, सोशल मीडिया के थ्रू इतने अच्छे काम होते हुए भी हमें एक बार जो सोशल मीडिया के थ्रू हमें जो क्लियरिफिकेशन के लिए हमें आना पड़ा, वो बात यह है कि 20 तारीख को हादुकलावपुर रिसेटलमेंट लोकेशन में बुवाग्रा, जिनको त्रिपुरा में इस तरह से संबोधित किया जाता है, महाराजा प्रदीप किशोर देव वर्मा जी, और उन्होंने आकर जो बातें कही। फिर उसके बाद नरसिंहपारा में 21 तारीख अप्रैल 2024 को उन्होंने जो बातें आके कहा था,
धामसरा में 21 तारीख अप्रैल 2024 को जो उन्होंने आके अपने कमेटी के ऊपर, अपने ब्रू लीडर्स के ऊपर जो उन्होंने बोला था, उस बात को मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि सेटलमेंट के लिए 600 करोड़ रुपए और उसके बाद 120 करोड़ रुपए मैं लेके आया हूँ, टोटल 720 करोड़ रुपए। अब पब्लिक से उन्होंने आके पूछा, इतने सारे पैसे मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाके यहाँ पर आप लोग की सेटलमेंट के लिए मैंने इतना काम किया, आप लोग को कुछ मिला है क्या? ऐसा पब्लिक के सामने उन्होंने प्रश्न किया। तो पब्लिक, कुछ पब्लिक को हिंदी कुछ लोग को समझ में आता है, कुछ लोग को नहीं आता है। तो पब्लिक की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने सीधा बोला कि आप लोग को कुछ नहीं मिला। इस बात को मैं थोड़ा क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जो 720 करोड़ रुपए जो फंड ब्रू रिसेटलमेंट के लिए उन्होंने जो दिया है, वो अपने एग्रीमेंट में पूरा क्लियर लिखा हुआ है, जो भी बेनिफिट है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू हर बेनिफिशियरी के अकाउंट में पर्सनली दिया जाएगा, इस तरह से पूरा उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। उस एग्रीमेंट के तहत हर परिवार को 1.5 लाख रुपए और हर परिवार को 4 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट के रूप में, और हर परिवार को 5,000 रुपए प्रति माह 2 साल के लिए और 2 साल के लिए राशन, इस तरह से बेनिफिशियरी को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू दिया जाना है। तो हमें सभी पता है आज के डिजिटल एज के समय कोई भी पैसा कैश इन हैंड नहीं दिया जाता, तो इसके लिए ऑफिशियल प्रोसेस है। इसके लिए अगर उनको लगता है कि ये लीडर और गवर्नमेंट के मिली भगत से ये पैसा खत्म हो गया, तो वो सेटलमेंट लोकेशन में आके विजिट करें और गांव में घूमे। पहले की अपनी स्थिति कैसा था, पहले अपने पास घर नहीं था, अभी सेटलमेंट के बाद सभी जगह रोड बन गया, घर बन गया, पानी पहुंच गया है, बिजली पहुंच गया है, हम बहुत खुश हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि इतने काम होने के बावजूद आप लोगों को कुछ नहीं मिला, इस तरह से पब्लिक को आके इंस्टिगेट करेंगे तो अपने लोग, अपने प्रूफ कमिटी अधिकतर इतना पढ़े लिखे लोग नहीं है हम लोग, इससे अपने लोग में भ्रम पैदा हो सकता है। इसलिए मेरा ये आज सोशल मीडिया के थ्रू इतना ही कहना है कि जो भी फंडिंग है वो अपने लीडर से जाके पूछो, कहा गया इस तरह से जो उन्होंने पब्लिक के सामने जो बोला है वो लीडर के थ्रू इंप्लीमेंट नहीं होता है, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत वो इंप्लीमेंट किया जाता है। इस बात को मैं सोशल मीडिया के थ्रू समझाना चाहता हूँ। दूसरी बात कि अपने ब्रू डिस्प्लेस पीपल को भारतीय जनता पार्टी स्टेट में और सेंट्रल में जब बना तभी हम लोग को सेटलमेंट मिला, तभी हम लोग को परमानेंट सोल्यूशन मिला है। इसलिए 22 अप्रैल 2024 ब्रू रिसेटलमेंट लोकेशन जुदा जुदा ने इंटेलेक्चुअल बाय 16 जनवरी 2020 को अग्रीमेंट नौ ने साइन खेमें सिग्नि तरीर जो बड़ा प्रेस कन्फ्रेंस मा खेल मा खेल अर्थ के जिन्हें मानना महाराजा प्रद्युप किशोर देव बर्मा बुं ब्रू लीडर करपशन खेम एखे 720 करोड़ नौ मजा माओ के यूटिलाइज किया उत्ते थाम नौलुगो प्रजार लीडर नो सूंगे नादी बड़ो मा सनाय अब ने रीजन ये बुँ पब्लिक स्पीच वो बिनी कैंपेन स्पीच वो सोशल मीडिया पा वायरल क्यों था अब ने ताते लुगो प्रजा हम चीज हो गया मा गुआ मा
चीनी सकाओ चौमा कि चीनी लाइफ नि बनो क्रीसा सिदुर चीन पार्सनल लाइफ मांगे चीनी जाति बंसो टाकू लोकेशन दु लोकेशन इंटेलेक्चुअल लाइफ रिस्क क्लारीफिकेशन खेई तुशे बीदे बेचे चीन बना कदमी प्रेस मीट माखे लाइफ से रोड ब्लॉक खेल बुबाग्रागुनी जे रोड ब्लॉक खेम जगह फायन ब्रू रोले नारवाइया फरी नारिया त्रिपुरा ने ब्रो रंगी राजानी जॉइंट के हा रोजा नुसी ब्रो बो बड़ो त्रिपुरा से तुम चुके त्रिपुरा दंमयू बांग्लादेश हजार हजार साल पटे हा दंगनो नो रिसेंटली मैं खे जगह ही दंग जगह बाग्रा ब्रू रही दुमा दंग ट्रेनिंग ताते हा खेदे खेदे मिजोराम से बड़ा उचि और थे त्रिपुरा फैया बड़ा दम चुख त्रिपुरा दंथे बहा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाए दिनी जी नरेंद्र मोदी जी सौ आखिर अमित शाह जी सौ विप्लव कुमार जी सौनो बुसाए बहाबाला अब देखिए चीनी बीजेपी गवर्नमेंट र बड़ो चुन माइया खातों सुनमें ताते नसु त्रिपुरा तुम्हारी अग्रीमेंट जनवरी 16, 2020 साइन है चुंकला थामकाओ के उकलाइन इंटेलेक्चुअल पर्सन कैम्बुनी लोकेशन चारों ने बड़ा खाफाओ सानम सूया चीनी बुबा नो आनाद क्रिया लाचीद बनो लाची क्लैनाय आर इनकी ट्रेक हाबाई चौमे चौन खेई मे जे बुबाला नाइन ट्वेंटी एप्रिल हादुकल पब्लिक मीटिंग बुका सामो खे नाइसी पारा 2021 एप्रिल बुका सामो नो वायरल होंगे चीन ताते अब बुंकाओ सामने बहुत बिराट चीन के प्रॉब्लम उंगठाम बहुत दुग प्रजा क्लारीफिकेशन लिया के चीनी पर्सनल लाइफ बाय चीनी ताकू को रिलेटिव जो तो कोनो रिक्स वहाँ अब उनखुए पब्लिक वर्सेस लीडरशिप आप देखिए खुद का प्रॉब्लम उमे उंगठाम बहुत मन चुन क्लारीफिकेशन मा खेम से खे चुन जो तो नामचु खे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैचों अग्रीमेंट खेब चीन अग्रीमेंट पॉइंट नो तानी 1.5 लाख रेबो अब 1.5 लाख ले जान जानी अकाउंट नो नुग्रानी अकाउंट डिटेल आई एफ एस सी कोड अकाउंट नंबर महात्मा नंबर आधार बाय आधार नंबर पा अब लाइए कलेक्शन कैसे अब भी कैसे त्रिपुरा गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्सन टू पर्सन फैमिली टू फैमिली ये रियो अब उनके 4 लाख मा नुखा फाइनेंशियल असिस्टेंस 4 लाख मा अब मो जान जाने बेनिफिशियरी अकाउंट रेव अब उनखे तल बैसा मापन अपनी नरूनी बड़ो सरकारी ओं खादा ये दुए बे लुगो प्रजा नो रिया बेनिफिशियरी नो लीडर खबर को रिया खाब खुए जो तो कैम लोकेशन सिंह इम्प्लीमेंटेशन खेपे जाते जा देखे लामा इंटरनल लिंक लिंग सब सेंटर जो तो हुए इम्प्लीमेंटिंग वर्क अब माको बड़ो सिंह तरह हूग्रा रहा हूंबा ब्रू आई डी पी लोकेशन जे दौने रहा हूंबा कहे दा को बड़ो
सामू माइने खुरी कन्ट्रक्ट माइने खुरी पी डब्ल्यू डी अंडार आर डी अंडार से बो इम्प्लीमेंट खेव आरोप ये जिनी बुबाग्रा नौ ब्रू लीडर न सूंगी सेवेन हंड्रेड ट्वेंटी क्रोर सरकारी रंग नौ ब्रू लीडर सूंगी मर खेब ये तेत्रे लीडर सको जाते कौ सामर को बोले बू सको फिम दे बूंग सिसो फीन देखें बुबाग्रा निजेर को आरोप चुम बड़ो माचाम मानो खुद चान चौंगे इन लुगो प्रजान आई एम वन ऑफ द सिग्नेटरी टू ट्रिपार्टाइट अग्रीमेंट साइन ऑन 16 जनवरी 2020 इन न्यू दिल्ली अलोंग विद द यूनियन होम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ Biplab Deb ji and other dignitaries in Tripura's NGO. First and foremost, I would like to convey a word of thanks to Union Home Prime Minister Sri Narendra Modi ji and Union Home Minister Sri Amit Shah ji and Honorable ex Chief Minister of Biplab Deb ji and present Chief Minister of Honorable Dr. Manik Shah ji for supporting the Bruce settlement. Today, we just gather here to give some brief clarification in connection with the Bubagra, what he has been delivered his speech during his maiden visit in Naisingpara, Kumargat, and Damchera. He has been mentioned that 720 crore has been misused by the Bu leaders. And he has been raising a question by himself and asking the people to understand and create a misunderstanding among ourselves. So there are a lot of confusion has been arise by the public as well as the common people. So in this connection, we just want to give the clarification that 720 crore has not been given to the Bru leader in order for the implementation of the Bru settlement. This implementation funding system is being directly implemented by the central government, house building assistant, fixed deposit, and monthly cash assistant is directly credited through the central government. So every household, every each and family is being received through through online system only, online transaction only. So no leader has been distributed cash in hand to any family. So on that day, Bubagra is blundering that the Bru leader, which is sanctioned 720 crore, is being misused and distort that money. So that was totally fact, and we really wonder why he has been mentioned such type of things. So we cannot understand. So in with respect to this, we want to clarify that we, the Bru leader signatory, are not actually happy about what he has been made a statement during his speech delivered in the Naisingpara and Kumargat and Hatuklau as well. So we want to clarify that no fund is being directly given to the Bru leader. It is given by the central government and house building assistant and monthly cash assistant and fixed deposit is directly credited from the central government only. And for the toilet construction is directly credited from the block development official only. So there is no any fund given to the Bru leader, and there is no fund is placed for the Bru leader in order to distribute to the publicly. So there is no any connection with what he has made a statement during his maiden visit in Kumargat, Naisingpara, and Damchera. So this is totally wrong, and we are unable to understand what he has been mentioned. And this is we believe that this is a political dialogue. So we cannot accept this. So kindly make correction in this connection so that this type of political behavior should not be carried out again and again in the future days. And thank you so much, and thank you for this time, and I would like to give all the viewers
to understand what we are meant to say and what is happening in the Blue Settlement. So the Bubagra might not able to know how this implementing is being done in the Blue Settlement. After the agreement, yesterday is the first time he has been visited to the Naishimpara. So he might not be understand what is the happening in the Blue Settlement and what the leaders are been working and what type of the government is being undertaken regarding the Blue Settlement. He might not have much knowledge about that one. That's why he has been slip his tongue. So that might be some not reasonable point. So kindly make correction and try to correct by himself, and he will take back his word, what he has been mentioned on those days. Thank you very much.